यूट्यूब पे एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है। 11 दिसंबर 2023 को संदीप महेश्वरी के चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया गया और कुछ ही देर में उस वीडियो पे लाखों व्यूज आए। और इस सबका रीजन था उस वीडियो पे लगे हुए थंबनेल जिसपे लिखा था बिग स्कैम एक्सपोज। और उस वीडियो में दो लड़के बात करते बिजनेस कोर्सेज का। सर, इंडिया के सबसे मतलब काफी नाम है उनका यूट्यूबर में, जिसके लिए आपने 50,000 रुपए दिए। इसमें दिक्कत ये आ रही है ना, जो कोर्स किए कोर्स में आपको ये बिजनेस की ये लर्निंग मिल जाएगी, ये बिजनेस सीख लोगे इस तरीके से आप, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ वो सेल्समैन बना रहे। अब इस पूरे वीडियो से कुछ भी क्लियर नहीं होता है कि किस बड़े यूट्यूबर के बारे में बात किया जा रहा है, पर वही कुछ लोग गेस कर लेते हैं और कमेंट में लिखने लगते हैं। फिर अचानक 2 दिन बाद संदीप महेश्वरी अपने कम्युनिटी में एक पोस्ट करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि हमारे टीम को कैसे प्रेशर बनाया जा रहा है इस वीडियो को डिलीट करने के लिए। और मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को मैं डिलीट नहीं करने वाला हूँ। इनफैक्ट जिस पर्सन ने इस स्कैम का पोल खोला उसे भी काफी कॉल और मैसेजेस किए जा रहे हैं, मुझे काफी बुरा लग रहा है, पर मैं खड़ा रहूंगा अपने सोसाइटी के लिए। और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ, तुम सब मेरे साथ हो। और ये कम्युनिटी पोस्ट आने के बाद फिर से लोग जुड़ जाते हैं उस बड़े यूट्यूबर का पता लगाने में। और तभी एक दिन बाद संदीप महेश्वरी एक दूसरा कम्युनिटी पोस्ट करते हैं, मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी, अभी मैंने आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पे अपने एम्प्लॉय को भेजा, वो भी एक बार नहीं बार बार। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूँ? डरता वो है जो कुछ गलत करता, मैं अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि सबके फायदे के लिए काम करता हूँ और मरते दम तक करता रहूंगा, और आप जैसे लाखों मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते। और मुझे अकेला समझने की गलती मत करना, पूरी YouTube कम्युनिटी मेरे साथ है, सारे यूट्यूबर छोटे से लेके बड़े तक अब आपको खुलकर एक्सपोज करेंगे, आपके नाम से लेकर आपके बड़ा बिजनेस के बारे में खुलकर बात करेंगे, इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। किस किस को धमकी देकर उसका वीडियो डिलीट करवाओगे? एक डिलीट होगा 1000 वीडियो बनेंगे। पब्लिक से कोई भी नहीं जीत सकता, फिर चाहे वो CM या PM ही क्यों ना हो, तुम तो चीज ही क्या हो। नाउ इट्स पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा। और इस कम्युनिटी पोस्ट पढ़ने के बाद सबके जुबान पे एक ही बात है कि विवेक बिंद्रा स्कैम करते हैं। पर क्या विवेक बिंद्रा सच में स्कैम करते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। और साथ में ये भी जानेंगे कि संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा में कौन सही और कौन गलत है। पर उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बैकग्राउंड के बारे में। संदीप महेश्वरी मेजेस बाजार नाम की कंपनी चलाते हैं जिसका साल 2023 का रेवेन्यू था $13 मिलियन। और फिर अभी एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं जिससे वो यूथ को मोटिवेट करते हैं। वही विवेक बिंद्रा के बारे में आप संदीप महेश्वरी के मुंह से खुद सुनिए। विवेक बिंद्रा सर का सिर्फ इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप का चैनल है। अब अगर उस कंट्रोवर्सी वाला वीडियो की बात करें तो उस वीडियो में दो लड़के ने बताया था कि एक यूट्यूबर ने बिजनेस सिखाने के नाम पे लाखों रुपए चार्ज करते हैं और उस कोर्स में कुछ भी नहीं सिखाया जाता, और उसमें संदीप महेश्वरी भी अपना कुछ ओपिनियन रखते हैं बिना किसी यूट्यूब या यूट्यूबर का नाम लेते हुए। अब उस लड़के ने खुद ही बताया कि इस कोर्स को खरीदने वाले लाखों लोग हैं। अब आप खुद सोचो कि उस लाखों लोग में कोई भी समझदार ही नहीं है, सबके सब बेवकूफ है जो आज तक इस बारे में कहीं बात ही नहीं किया। और मैं खुद भी देखा हूँ कि मेरे काफी जानने वाले लोग भी हैं जो विवेक बिंद्रा का कोर्स खरीदे और यहाँ तक कि उसके IBC के थ्रू काफी पैसा भी कमा रहे हैं। अब अगर तुम पैसा नहीं कमा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे को स्कैम बोल दो। और मैं खुद भी विवेक बिंद्रा का वेबिनार ज्वाइन कर चुका हूँ और मैं उस 2-3 घंटे में इतना कुछ सीखा हूँ जो बाकी कुछ यूट्यूबर के पूरे कोर्स में भी नहीं सीख पाएंगे। अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि संदीप महेश्वरी यहाँ पे गलत है, मैं दोनों को काफी टाइम से देख रहा हूँ। और रही बात है स्कैम की, तो विवेक बिंद्रा ने खुद ही वीडियो बना के ये बताया है कि IBC स्कैम नहीं है, और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो अभी भी जाके देख सकते हो। बाकी आप किसे पसंद करते हो नीचे कमेंट करके बताओ, और जब तक इस स्कैम का प्रूफ नहीं आ जाता तब तक आप किसी को गलत नहीं बोल सकते। बाकी ऐसे ही बिजनेस केस स्टडी और स्टार्टअप जैसे टॉपिक आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले।